हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का ब्लॉग, क्योंकि मैं आई हूँ आज लवी के स्कूल। उसके स्कूल में आज गणित मेला लगा हुआ है, तो बस उसी के उपलक्ष्य में इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था। तो बस आज हम लोग आए हैं लवी के स्कूल में मेले में, और लवी का प्रोजेक्ट ये है जो वो सबको एक्सप्लेन कर रही है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं मेले में घूमने। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, सब मैथ से रिलेटिव बना रखा है क्योंकि गणित मेला है बच्चों का। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, ये देख सकते हैं आप, डॉल भी बहुत अच्छी बना रखी है और उसमें मतलब एडिशन लिख रखे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। ये रेडीमेड है? हाँ, रेडीमेड ही लग रही है। वैसे ही शोपीस रखा है। क्या बनाया आपने? ओके, एक्सप्लेन करो इसका। सिक्स, वेरी गुड। 24, वाह बहुत अच्छा है यार। अब जैसे 5 के टेबल नहीं, वो नहीं दिखाएगा, केवल 6 का दिखाएगा। ओके, पर बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। आपने क्या बनाया? फिश? वाह, फिश बनाई आपने। आपने क्या बनाया? ये बनाया है, बताओ क्या है ये? तो देखा आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं और सब भी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उस चीज़ का, और बहुत मज़ा आया। मेरे दी के बच्चे भी आए हुए थे, तो हम लोग उनको भी लेके गए थे यहाँ पे घुमाने, और उन लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और बहुत भीड़ थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी इनकी, मैम काफ़ी टाइम से कह रही थी इस चीज़ के बारे में। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बच्चों ने बना रखी हैं। ये देखिए, ये घर बना रखा है पूरा उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो फाइनली हम लोग पूरा देख चुके हैं और मैंने मैम से परमिशन ले लिया। अब मैं जा रही हूँ घर, लवी को भी लेके जा रही हूँ। मैम ने भी कहा कि 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, 1 बजे आप ले जाओ बच्चे को, कोई बात नहीं। तो मैं फ़िलहाल लवी को लेके जा रही हूँ। अब लवी कह रही है मुझे थोड़ा सा खेलना है, तो बस पारस, लवी और मनी खेल रहे हैं। लवी जा रही है खेलने और पारस भी थोड़ा सा ऐसे ही घूम रहा है, उसको अलग खेलना है, तो इसी वजह से वो रो रहा था कि मुझे अलग खेलना है, तो अपना वो अलग जा रहा है खेलने। सो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे खेल कूद चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। वहाँ घर में दीदी जीजू भी हैं, वेट कर रहे होंगे वो लोग भी, क्योंकि वो लोग नहीं आए थे यहाँ पे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और पारस अभी नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि मुझे खेलना है, और इसीलिए वो आया था, कह रहा था कि मैं स्कूल में दीदी के खेलूँगा। तो यहाँ पर वो खेल रहा है अभी। सो आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, बहुत अच्छा लगा है फिलहाल आके यहाँ पे, और थोड़ा सा बच्चों का मूड भी फ्रेश हो गया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग लवी के स्कूल से आ गए हैं और अभी आए हैं, अभी छत में हम लोग घूम रहे थे थोड़ा सा धूप में, और बस अभी आए हैं और काफ़ी मज़ा आया। दीदी के बच्चे भी आए हुए थे, इस वजह से इनको भी मैं ले गई थी उसके स्कूल में जो गणित मेला लगा हुआ था उसको दिखाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, और अब लग गई है बहुत तेज़ से भूख। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिलहाल खाना खाने, और मैं देख रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कैरम? कैरम? लेवी कैरम खेल रही हो? छब्जी बना ले हो? छब्जी? हाँ। अच्छा, खा भी लेना छब्जी को। कर क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? है नमकीन खा रही हो? नमकीन?
मजाई रही हूँ। तो बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं और मैं तब तक सामान सेट कर देती हूँ। अभी सब लोग लेटेंगे भी, तो इधर उधर सारा सामान उन लोगों ने फैला रखा है और दी जीजू भी हैं, सब लोग अभी टीवी देख रहे हैं। तो तब तक मैं सामान लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि दीदी जीजू की ट्रेन है, रात के मारे 3 बजे की ट्रेन है उनकी, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं वो लोग। और दी की काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी जाने की, और मेरे को भी एक्चुअली वो कह रही थी साथ में चलने के लिए, बट मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले ईयर से अभी गई हूँ और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है मेरे को। अभी मैं पिछली फरवरी में गई थी, तो अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि पारस भी बहुत छोटा है और बहुत ठंड भी पड़ रही है। तो मैंने तो फ़िलहाल अभी मना कर दिया है परिक्रमा के लिए, पर दीदी जी जो हमारे काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे जाने के लिए, तो वो लोग जा रहे हैं। तो दीदी वही कह रही थी कि रात में कोई नहीं सोएगा, आज नहीं अगर सोएंगे तो सुबह के 7 बज जाएंगे, तो इस वजह से वो कह रही थी रात में ही जगेंगे, लूडो खेलेंगे रात में, तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं हम लोग। तो उससे पहले मैं सब पहले तो बच्चों को खाना खिला देती हूँ टाइम से। और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं खेलने के लिए, और दीदी जी जो हमारे चाहेंगे, बट बच्चे रुकेंगे, वो बच्चों को नहीं ले जा रही है अपने, और वो क्रिसमस पार्टी यहीं करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि हमें क्रिसमस पार्टी मासी के यहाँ करना है, तो इस वजह से वो बच्चे यहीं रुकेंगे मेरे पास ही 2-3 दिन के लिए, अभी आए हुए हैं। उनकी भी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं स्कूल की, और लवी की भी अभी 1-2 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी क्रिसमस की, तो इस वजह से हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं क्रिसमस, और बहुत मज़ा आने वाला है। और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में कि खाना बनाना है सबसे पहले मेरे को। तो बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब मासी आती है और दी के बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनके आने में। और वो लवी तो गर्मियों का छुट वेट करती है कि वो लोग यहाँ रहने आएंगे, और मैं भी मंथ नहीं जा पाती। मैं पहले बहुत जाया करती थी जब बच्चे नहीं थे, तो मैं मंथली पहुँच जाती थी वहाँ पर, बट अब नहीं जाया हो पाता मेरा, 2-3 महीने हो जाते हैं नोएडा, तो इस वजह से काफ़ी वेट करते हैं हम लोग आने का। मैं भी एक्चुअली बोर हो जाती हूँ, सोचती हूँ कोई ना कोई आए घर से, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई घर से आता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं हम भी और बच्चे भी। तो मैंने अभी बिठा दिया है सबको टीवी देखने के लिए, और दीदी जीजू को चाय दे दिए चाय पीने के लिए, और मैंने कहा कि मैं खाना बना लेती हूँ। दीदी बहुत कह रही थी आने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। वो पूरा टाइम काम करती है, उसकी शॉप भी है अपनी, तो वैसे भी बहुत बिजी रहती है, तो मैंने उसको अभी फुल रेस्ट करने के लिए कह दिया है कि मैंने सारा काम मैं कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल उनको चाय दे के आई हूँ मैं, तो बस चाय पी रहे हैं वो लोग, और मैं जल्दी से लगा लेती हूँ आटा। तो आटा मेरा लग गया है, और जल्दी जल्दी बना लेते हैं रोटियां। और रोटियां मैंने पति देव के लिए बनाया, और सबके लिए पूड़ियां बनाई हैं मैंने, और देख सकते हैं खाना भी मेरा बन गया है। मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती पूड़ियां, इसलिए उनको मैंने रोटी बनाई है और सबके लिए पूड़ियां बनाई है। तो बहुत अच्छा लगा आज, और आई होप आप लोगों को भी आज का ब्लॉग हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल सब लोग खाना खाने, क्योंकि भूख भी लग गई है और रात के 10:30 बज चुके हैं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।